हेलो दोस्तों, जो मैंने कमेंटमेंट की है उसके हिसाब से मैं ये क्लिप आर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये बच्चों के लिए असाइनमेंट भी हो सकती है और काफ़ी आसान है ये। तो यहाँ पे मैंने अभी येलो कलर और वाइट कलर निकाल के, पहले मैंने वाइट कलर दे दिया है सेंटर में पेपर के, ये सब मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाइट कलर के ऊपर मैंने पहले येलो, लेमन येलो कलर, फिर उसका ही मैंने ऑरेंज बनाया, और ये यहाँ पर मैं पिंक कलर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास पिंक की शेड है, स्पेशल टिंट, तो मैंने यहाँ पिंक कलर यूज़ किया है, उसमें लेमन येलो और वाइट कलर भी पहले मैंने दिए थे। और ये इस तरह इसको प्लेन करना है। ये मॉर्निंग का सीन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो क्लिप आर्ट के लिए, क्लिप आर्ट किसको बोलते हैं, जो फिगर्स जो है वो टोटल ब्लैक में लेते हैं, जो भी फिगर्स लेने, ह्यूमन फिगर्स है, एनिमल्स है, पेड़ है या फिर हील्स है, तो ऐसे जो फिगर्स ब्लैक कलर में जब लेते तब उसे क्लिप आर्ट या तो फिर टोटल ब्लैक में करते हैं। यहाँ पे मैंने पीछे कलरफुल बैकग्राउंड लिया है, ये पिंक येलो। अभी ये नीचे का पार्ट मैं थोड़ा बना रहा हूँ, तो आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, और बहुत आसान है, और ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर भी नीचे लिया है, येलो भी लिया है। अभी यहाँ पे मैं एक पेड़ की टहनी, बड़ी सी टहनी यहाँ बना रहा हूँ। पेड़ बनाते समय पूरे उसको राउंड शेप नहीं देना है, थोड़े ब्रेक ब्रेक करके अगर देंगे तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पेड़ की टहनी बड़ी सी बना दी है। तो यहाँ पे मैं एक झूला बना रहा हूँ, ये झूले पे एक लड़की बैठी है। डायरेक्ट ब्रश से मैं ये सब कर रहा हूँ, पहले आप पेंसिल से स्केच करके भी कर सकते हैं। उसकी जो चोटियाँ है वो हवा में उड़ रही है, ये ऐसा मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। और वो जो रस्सी है उसको पीठ लगा के बैठी है, और दोनों हाथ अपने घुटने के पास लेकर ये झूले पे बैठी है। काफ़ी बढ़िया दिखता है आपके घर में लगाने के लिए, ये पेंटिंग काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया, और बहुत आसान है और बहुत झटपट होते, लगभग आधा या पौना घंटा, मतलब कि 45 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा के आपको केवल 5-6 मिनट तक ही मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कलर निकालने में, कलर मिक्स करने में इसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो इसलिए ये आधा घंटा या 45 मिनट्स में लगभग ये पेंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पंछी उड़ते हुए दिखा रहा हूँ, कुछ बड़े कुछ छोटे, और ये नीचे जो है ये एक छोटा सा हिल, उसके पीछे मैंने ये ग्रे कलर यूज़ किया है थोड़ा लाइट, और भी ग्रे कलर उसके ऊपर कुछ स्ट्रोक मैंने दे दिए ताकि वो दूर नज़र आए। और यहाँ जो पास में है वहाँ पे उसके ऊपर कुछ ग्रास यहाँ पे मैंने निकाली है, और ग्रास के ऊपर फिर उसके जो फल फूल जो है वो भी मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों, इस तरह ये आप अगर वीडियो
पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। और इस तरह आप पेंटिंग ज़रूर करके देखिएगा, मेरे को कमेंट्स में डालना। कल भी मैं और एक डालने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।